हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, चाहे आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, या आपके क्रश हैं, या आप जिनके बारे में सोच रहे हो, लगातार सोच रहे हो, वो आपके बारे में आज की शाम क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, वो हम आज के इस रीडिंग में जानेंगे। साथ ही साथ आज की रीडिंग में हम जो है आपके पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उनकी भी बातें आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और इसके साथ ही हम ये रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग, अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं जानते हैं कि क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पिक अ कार्ड रीडिंग यानी कि जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे मैं दो कार्ड निकालूंगी जो कि यूनिवर्स के द्वारा दिया हुआ दो कार्ड रहेगा, और दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करेगा उस कार्ड की रीडिंग आपको देखनी है। आपकी सिचुएशन से मैच करेगी, साथ ही साथ आपके जो पर्सन है उनकी बातों से मैच करेगी वो रीडिंग आपकी है। ठीक है, आप चाहे तो अगर पाइल समझ में नहीं आ रही हो तो आप दोनों ही पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, जो आपके साथ रेजोनेट करे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं हमें, क्या कार्ड देते हैं डिवाइन पाइल के लिए। दो कार्ड सो निकालते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको पता है। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज दो कार्ड दीजिए पाइल के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, पाइल नंबर वन आ चुका है, यू आर वर्दी ऑफ लव। ओके, सो पाइल वन, पाइल टू के लिए दे दीजिए प्लीज। पाइल टू के लिए एक कार्ड। ओके, सो पाइल टू भी आ चुका है। पाइल वन एंड पाइल टू देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कार्ड्स हैं आपके सामने। मैंने पाइल निकाले हैं, पाइल वन पाइल टू। ठीक है, अब आप दोनों, मैं आपको कार्ड नज़दीक से दिखा देती हूँ कार्ड्स को। ओके, आप लोग देख सकते हैं जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ ही जाइएगा। दिख रहा है आपको? ओके, सेकेंड कार्ड है यानी कि पाइल नंबर टू है, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का कार्ड। ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड निकल चुके हैं, पाइल वन और पाइल टू। आप लोग देख सकते हैं पाइल वन और पाइल टू का कार्ड आपके सामने है। अब हम बातें करते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। पाइल वन के रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो पाइल वन रेडी हो जाओ, चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। सो हेलो पाइल नंबर वन, कैसे हैं आप सब? आपने चूज किया है यू आर वर्दी ऑफ लव। सो आपको प्यार तो चाहिए, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, आपको ऐसा लगता है आपको कोई रोमांटिक सा पार्टनर चाहिए जो आपको प्रपोज करे, जो आपको बहुत 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 प्यार करे, जो आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत ही लॉयल रहे, आप उसके साथ लॉयल रहे, आपके साथ वो जीने मरने की जो बातें हैं वो करे। ये पर्सन आपको ऐसा पर्सन पसंद है जिसके साथ आप बहुत ही दिल से बातें कर सको, ठीक है, अपने प्यार की बातें कर सको, आपको वो पर्सन प्यार दे सके, ऐसे पर्सन की आपको चाहत होती है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो या जिनके साथ भी डील करने के बारे में सोच रहे हो, आपको पता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट ज़रूर है। आपको लगता है कि ये पर्सन से आप बहुत डीपली लव करने लगे हो, ना चाहते हुए भी आप इस पर्सन के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हो, क्योंकि आपको इस पर्सन से बहुत प्यार है या बहुत अट्रैक्शन हो चुका है। मैं यहाँ पे प्यार भी देख पा रही हूँ और अट्रैक्शन भी देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो मैच है वो बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही परफेक्ट। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को, है ना, मैनिफेस्ट भी करते हो। आप अपने पार्टनर से स्पेशली जो है रोज़ डे के दिन इंतज़ार कर रहे थे कि आपका पार्टनर जो है आपको कुछ इस तरीके से प्रपोजल देगा, आपको कुछ इस तरीके से प्यार देगा। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ओके,
सो इतनी एनर्जी आपसे रेजोनेट की है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, आपके लिए ही बनी हुई है ये रीडिंग, आप ज़रूर इसको देखिए। ओके तो चलिए अब देख लेते हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे उनके लिए गाइड कीजिएगा, मुझे उनके लिए गाइड कीजिए प्लीज़। ओके ओके डिवाइन में प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। सो नाइन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है। ओके डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके टू ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ओके प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा एंजल्स यूनिवर्स। द एम्परर की एनर्जी है। ओके किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके एंड लास्ट कार्ड देखते हैं तो लास्ट कार्ड में हमें एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है आपके कार्ड में, सबसे पहले आपके कार्ड्स की एनर्जी की बात करते हैं। आज शाम को आपके पार्टनर जो है काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी में है, काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी के साथ बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने उसे अपना माना है, मैंने उसे अपना मान लिया है, मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा और कोई नहीं है, मैं उसके तरफ इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया हूँ, उसके तरफ इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगा हूँ कि अब उससे छोड़ करके किसी और की तरफ घूमने का देखने का भी मन नहीं करता है। मैं अपने पार्टनर को कहीं भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं छोड़ सकता। मेरा पार्टनर सिर्फ मुझे प्यार करता है और मैं उसे प्यार करता हूँ, बस मेरा मानना तो ये है। बाकी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा प्रेम करता हूँ कि बस उसके अलावा और मुझे ज़िंदगी में कोई और पर्सन तो नहीं चाहिए। मैंने इतना तो तय कर लिया है कि मुझे कोई और पर्सन तो नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी इसके जो है ना साथ ही गुजरेगी, चाहे जो हो मेरी ज़िंदगी इसके साथ ही गुजरेगी और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा हूँ, मैं उसके तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया हूँ ना कि मुझे दुनिया जमाना कुछ नहीं दिखता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो दिखती है, उसकी एनर्जी दिखती है, उसकी वाइब इतनी अच्छी है, इतनी पॉजिटिव है कि कोई भी जो है ना यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, कोई भी, मैं ही नहीं कोई भी बड़ी आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा। मैं उसके तरफ आना चाहता हूँ, मैं उसके तरफ बात करना चाहता हूँ, मैं उसके तरफ कनेक्शन को बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा कनेक्शन सिर्फ उसके साथ है, मेरा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ही है, मैं उसके साथ ही आना चाहता हूँ, मैं उसके साथ ही जो है रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बाकी मेरा कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इशूज़ हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिल से जो है ना उसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि मुझे उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। देखो मेरे हालात तो ठीक नहीं हैं, सिचुएशन तो ठीक नहीं है, दो चीज़ों में कहीं कन्फ्यूज़न हो जाती है मुझे, दो लोगों में कहीं कन्फ्यूज़न हो जाती है मुझे, ये बात अलग है। लेकिन क्या ही करूँ, जब सारी चीज़ें इधर की उधर उधर की इधर हो जाती हैं तो मैं कैसे करूँ क्या करूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है।
बट ठीक है, मुझे जो भी करना है ना वो मैं करूँगा ही करूँगा, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को इस मोड पे लाना ही होगा कि मैं अपनी चीज़ों के साथ मैनेज करूँ, मैं अपने लाइफ के साथ मैनेज करूँ, ठीक है। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरीके से नहीं कर सकता, और माइंड को डाइवर्ट और नहीं कर सकता। मैं कैसे भी करके अपने सिचुएशन को के साथ जो है ना, मैं मैनेज नहीं कर सकता। मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी है, इतनी ज़्यादा बुरी है कि वो सिचुएशन मैं कहीं ना कहीं संभाल नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं मेरी जो सिचुएशन है वो ख़राब हो गई है। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। मेरी बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत चैलेंजेस मुझे जो है ना फेस करने पड़ रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मैं फेस करने लगा हूँ जहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें फेस कर पाऊँगा। मैं अंदर से बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर से बहुत दर्द में हूँ। कहीं ना कहीं मुझे जो है ना पेनफुल रिलेशनशिप में रहना पड़ रहा है। मैं चीज़ों के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को बैलेंस करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बैलेंस कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को बैलेंस कर सकता हूँ, रिश्ते को बैलेंस कर सकता हूँ। इससे बेहतर और मुझे कुछ और नहीं चाहिए, उससे बेहतर मुझे और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं, आपके साथ कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को मैनेज करना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ चुका था, लेकिन अब जो है ना मुझसे पीछे नहीं छोड़ा जा रहा। अब मैं जो है यहाँ पे, मैं इसके साथ आना चाहता हूँ, मैं इसके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ, इसके साथ ही जो भी है वो करना चाहता हूँ। मैं कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स के रेजिम में है। मैं कहीं ना कहीं उसे प्यार वो देना चाहता हूँ जो प्यार उसे शायद कभी नहीं मिला, या शायद उसे वो प्यार कभी मिल नहीं सकता था, शायद उसे वो प्यार पता नहीं मिलता या नहीं मिलता, बट मैं उसे प्यार बहुत करता हूँ, करने लगा हूँ मैं उसे प्यार। उसे बातें बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि नहीं, मुझे बातें करनी है, मुझे बातें करनी है, मुझे उसके साथ कनेक्शन को जीना है, इंजॉय करना है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप के साथ, अपने रिश्ते के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैंने बदमाशियाँ कर ली है, लेकिन अब जो है मुझे बदमाशियाँ नहीं करनी है। अब मुझे अपने रिश्ते के साथ काफ़ी मैनेज करना है, काफ़ी जो है सही करना है अपने रिश्ते को, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बातें तो करना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उससे। मेरे दिल में काफ़ी क्लैरिटी है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे नहीं छोड़ सकता, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो क्या कहते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। द चैरियट, ओके, फोर ऑफ वांड्स, ओके, सिक्स ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो ये पर्सन क्या कहते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तुझे फैमिली चाहिए उसके साथ, जब तुझे शादी करनी है, जब तुझे बात करनी है, तुझे मैरिज करना है उसके साथ, तो प्यार करता है उसके साथ, तुझे सक्सेस चाहिए उसके साथ, तो तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है, अभी तक तू यहाँ क्या कर रहा है। तुझे तो प्यार जो है ना उसके साथ है, तो तुझे तो उसके साथ होना चाहिए ना, उसके साथ तो तुझे प्यार भरा रिश्ता निभाना है, तो उसके साथ तेरे तेरे को रिश्ते में आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके साथ अपने रिश्ते को सही करना। इस तरीके से क्यों परेशान है तू, इस तरीके से क्यों 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 इतना ज़्यादा परेशान है तू, इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, इतने ज़्यादा चैलेंजेस क्यों फेस कर रहा है तू। इतना चैलेंजेस फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तू प्यार करता है, तू प्यार करता है उसे, तू उसे अपना सोलमेट मानता है, तुझे लगता है कि वो तेरी सोलमेट है, तो तू फिर यहाँ पे रोकने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? किसी बहाने की वजह से तू मत रो, ठीक है? और तू यहाँ पे बोल रहा है कि तू बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है या तेरी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है ना कहीं तुझे तेरा माइंड डाइवर्ट करने में जो है ना प्रॉब्लम कर रही हैं। देख, साफ सीधी बात है कि तुझे उसके साथ अच्छा लगता है, तुझे पीसफुल फील होता है, तुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ रहना या बातें करना, तो तुझे उसके साथ ही जाना चाहिए। तुझे प्यार में जो है कोई कमी नहीं दिखती है उसकी, तो फिर इतना ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे प्यार करता है तू, तो प्यार करना। यहाँ पे आगे बढ़ना चाहता है तो तू आगे बढ़ना। क्यों ऐसी चीज़ें कर रहा है, क्यों ऐसी बातें कर रहा है तू? ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, वैसी बातें नहीं कर सकते। एक एक करके बहुत चीज़ें होती हैं जो कि मैनेज करनी होती है, तो तू मैनेज कर, ठीक है? ऐसे ऑब्स्टिकल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। तुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है उसके साथ, तो तू न्यू बिगनिंग करना। तुझे एक नई शुरुआत करनी है, शुरुआत करना। इस तरीके से ईगो में बैठने से, इस तरीके से जो है अपने आप में गुरूर पालने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? अगर तू उसके साथ वाकई में रिलेशनशिप में जाना चाहता है, तो अपने आप को पॉजिटिव कर, अपने आप को इस तरीके से कर कि तू रिश्ता निभा सके, तू रिश्ते में आ सके, तू रिश्ते को बना सके, ठीक है? इस तरीके से रिश्ते में मत उलझ कि तुझे जो है ना आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो। तू अपने आप के साथ कहीं चीज़ों को लेकर के रिलेट कर, अपने आप को लेकर के बहुत सारी चीज़ें करने की तूने जो सोची है वो तू कर, ठीक है? इस तरीके से एक्सक्यूज़ मत दे मुझे, ठीक है? यहाँ पे जो है ना तू ईगो में बैठा हुआ है, मैं तुझे यही देख रहा हूँ कि तू तेरे अंदर एम्परर की एनर्जी है, इसका मतलब तेरे अंदर ईगो भी है। तो तू ईगो को छोड़ दे और उसकी तरफ भाग के जा, ठीक है? उसकी तरफ भाग के जा। उसके उसके जैसा पर्सन मिलना तेरे लिए नामुमकिन है। अगर वो तुझे नसीब से मिल रहा है या मिल रही है, तो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस करना खुद को, खुद को बैलेंस करना। बैलेंस करके रिश्ते को संभालने की कोशिश तो कर, कोशिश होनी चाहिए। कोशिश जो है ना लगातार लगातार होनी चाहिए, ठीक है? कोशिश तो कर, ठीक है? कोशिश कर, हर एक चीज़ को पाने के लिए, हर एक चीज़ को करने के लिए तुझे कोशिश करनी होगी। लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए कोशिश करनी होगी। कोशिशें लगातार कर, कोशिशें होनी चाहिए, ज़रूरी हैं कोशिशें, ठीक है? कोशिश होगी, ज़रूर होगी, अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी कोशिश, ठीक है? यहाँ पे तुझे जो है आगे बढ़ने के लिए, तुझे जो है आगे आने के लिए बहुत कुछ जो है करना होगा, बहुत कुछ, ठीक है? और तुझे जो है ना डिले मत कर, सीधे शादी कर, ठीक है? शादी करके बहुत अच्छा होगा, शादी कर ले, ठीक है? शादी करने के बाद जो है ना तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से जहाँ भी जाना चाहता है, जहाँ भी जाना चाहता है वहाँ चला जा। क्यों? क्योंकि देख, तू यहाँ रहेगा, फैमिली के साथ रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा है कि तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ और अपने सपने को पूरा कर। मेरा मानना तो यही है कि अगर तूने किसी का हाथ पकड़ा है तो ज़िंदगी भर हाथ पकड़ के रखना। तुझे इतना ज़्यादा जो है बाउंडेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी बाउंड्रीज को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपने आप के साथ सेक्रीफाइस करके तू दूसरों को खुश रख रहा है, तो कहीं ना कहीं तू खराब कर रहा है, अपने आप के साथ तू खराबी कर रहा है, अपने रिश्ते के साथ तू खराबी कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें गड़बड़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो रिश्ता है ये काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू बात कर, एक बार बात कर, मेरे कहने से बात करके देख क्या होता है, उसके बाद तू मुझे बता, ठीक है? सो पाइल नंबर वन, ये आपके साथ रीडिंग जो है ये आपके लिए रीडिंग थी, और आई होप आप सबके साथ रेजोनेट की होगी काफ़ी हद तक। जितना भी रेजोनेट करी है क्लेम ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा प्लीज़ क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइक करना। क्लेम करो यार, ग्रेटिट्यूड दो यूनिवर्स को, है ना? इतने भी कंजूसी, हर जगह कंजूसी नहीं चलती है तो अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पाइल नंबर वन, मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। सो हेलो पाइल नंबर टू, कैसे हैं आप सब? आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का कार्ड। सो काफ़ी ट्रैवल कर रहे हो आप, है ना? या फिर आप अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और उनसे उम्मीद में बैठे ये हो कि आपसे वो पर्सन मिलने आएंगे,
और आपसे मिलके ही जो है जो भी होगा उनसे आपकी बातें होंगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि आपने अपने पार्टनर के साथ जो रिश्ता निभाया है उस रिश्ते में कहीं ना कहीं ये जो है सारी कमियाँ है ना वो आपको याद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ट्रैवलिंग की एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि आजकल आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों की अंतरदशा या महादशा चल रही है आप लोगों की नंबर 7 की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि बताती है कि भाई आजकल आप ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हो। 2024 में आप लोग ट्रैवल करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है डेट करना चाहते हो अपने पार्टनर को, या फिर आप जबकि पार्टनर जो है आपके साथ डेटिंग पे जाना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होती रहती है। सो इसलिए मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए आपसे बोल चुके थे ये पर्सन कि आपसे ये पर्सन मिलने आएंगे, जल्द ही मिलने आएंगे, बट अभी तक आए नहीं हैं और उसी का इंतज़ार आप लोग कर रहे हो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है पाइल नंबर 1। सो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2 है ये, पाइल नंबर 2 आप लोगों की एनर्जी ऐसी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कार्ड्स और क्या बताते हैं मुझे आपके पार्टनर के बारे में, यानी कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे ये भी देख लेते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओके सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके टेन ऑफ कप्स, द मून की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके बॉटम ऑफ द डेक है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे क्या कार्ड्स दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे यही कार्ड्स दिख रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये कहते हुए दिख रहे हैं कि यार क्या कहूँ मैं तुमसे, सच कहूँ झूठ कहूँ क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है कैसा नहीं है, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि मैं तुमसे क्या कहूँ, लाइफ मेरी क्या है कैसी है मैं खुद समझ नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि मैं क्या कहूँ, चलो मैं तुमसे कह ही देता हूँ यार मैं क्या कहूँ, मैंने उसे इस तरीके से ट्रीट किया जैसे कि मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उसके साथ रिलेशन बनाना है, मैंने उसके साथ इस तरीके से जो है ना बातें करी, और ये हमारी बातें सारी सोशल मीडिया के थ्रू हुई, सारी की सारी बातें सोशल मीडिया के थ्रू ही हैं हमारी बातें, मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगा था उसके बारे में, बहुत कुछ सोच विचार किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें करी मैंने, कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी परेशानियाँ झेली हैं, कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान मैंने अपनी परेशानी इस तरीके से झेली है ना, इतना ज़्यादा झेला है कि कहीं ना कहीं उन परेशानियों की वजह से कहीं ना कहीं मैं आज फील कर रहा हूँ कि मैंने धोखा दिया है, मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ अंदर से कि मैंने उसके भरोसे को तोड़ दिया, मैंने उसके भरोसे को तोड़ा जिसके भरोसे को मुझे नहीं तोड़ना चाहिए था, जिसके भरोसे को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए था, मैंने उसके भरोसे को तोड़ दिया, मैंने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि उसके ऊपर क्या गुजरेगी। देख मैं एक टाइम में किसी एक से बात नहीं करता था, मैंने बातें की
ऑप्शन के तौर पे मैंने उसे देखा, रखा, मैंने बातें की। मेरे साथ और भी लोग थे जो कि मेरे साथ जुड़े थे, जिनसे मेरी बातें होती थी और वैसी ही बातें होती थी जैसे कि मैं उससे करता था, ठीक है। लेकिन क्या है, आज आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने गलती करी, मैंने ये गलती करी, उसके साथ गलती करी। सिर्फ मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलती कैसे कर दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, जो भी किया मैंने वो नहीं करना चाहिए था मुझे। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा परेशानी फील हो रही है, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, अंदर से मुझे बहुत कुछ जो है ना फील हो रहा है, अंदर से मैं बहुत कुछ जो है ना डिस्टर्ब रह रहा हूँ, अंदर से मेरे अंदर की डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना का है, क्या नहीं करने का है। कहीं चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती हैं। देख, मुझे टेंशन इस बात की है कि सब कुछ जो है ना सब कुछ बिखर सा गया है, सब कुछ एकदम से, जैसे कि मैं क्या कहूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने की हैं वो बार बार मुझे याद आ रही हैं, वो बार बार मुझे याद आ रही हैं। मुझे डर सताए जा रहा है, मुझे डर सता रहा है, अब इतना ज़्यादा डर सता रहा है कि मैं अपने डर को जो है ना यहाँ पे रख नहीं पा रहा, मैं अपने डर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो भी मैं भुला नहीं पा रहा। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मैं अंदर से एकदम से जैसे कि बिखर सा गया हूँ, टूट सा गया हूँ। मुझे ऐसा ऐसा गिल्ट फील हो रहा है ना कि मैं यार कहाँ से कहाँ तक आ गया, मैंने क्या कर दिया ऐसा। बहुत ज़्यादा अंदर से मुझे गिल्ट फील हो रहा है, अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा एन्जाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है। यार क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कैसे करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ, ठीक है। मैं अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे अंदर का अकेला पर, मेरे अंदर का तन्हाई जो है ना ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं इतना ज़्यादा जो है ना टूट सा गया हूँ, इतना ज़्यादा बिखर सा गया हूँ कि समझ ही नहीं आता कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मुझे जो है ना कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ इस तरीके से मेरी ज़िंदगी करवट लेगी और मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होंगी। मैं ना चाहते हुए भी उसके तरफ मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा फील करता हूँ कि मुझे जो है ना उसके तरफ देखना है, मुझे उसके तरफ जाना है, मुझे उसके तरफ बात करनी है, मुझे बातें करनी है, बातें तो होनी ही चाहिए। मुझे इस तरीके से ऐसी एनर्जी फील होती है कि नहीं मुझे बातें करनी है, मुझे बातें करनी है। मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं यार कुछ भी हो, बातें तो होनी चाहिए ना कम से कम, है ना, कम से कम बातें तो होनी चाहिए ना। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ बातें करूँगा तो उसे काफ़ी अच्छा फील होगा और इसलिए मैं बातें करना चाहता हूँ, बाकी और कोई कारण नहीं है, बाकी और कोई भी कारण नहीं है। मुझे जो है ना उससे बातें करनी है, कैसे भी करके बातें करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरा और उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग सी वाइब है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत मतलब बहुत अकेलेपन में फ़ील करता हूँ, बहुत खालीपन में फ़ील करता हूँ। लाइफ मेरी ऐसी वैसी, मतलब लाइफ मेरी एकदम से डिस्टर्ब हो चुकी है, कैसे करना है, क्या करना है, एकदम से समझ ही नहीं आता, ठीक है। मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, इतने ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं ना कि मैं क्या ही कहूँ। एकदम से जैसे कि ज़िंदगी में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन ठीक है, अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने का तरीका मुझे आता है, मुझे पता है, ठीक है। मैंने बस अपने शौक़ के लिए, मैंने बस अपने हिसाब से चलना चाहा एंड मैंने अपने हिसाब से चला भी, और कहीं ना कहीं मैंने अपने हिसाब से चल के उसके मन को दुखी किया है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है ना किया है, मैंने बहुत गलत किया है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, साथ ही साथ चैरियट की एनर्जी आई है। ओके, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके,
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, द फूल की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि तूने धोखा दिया उसे, सच में तूने धोखा दिया है, ये बहुत गलत किया है तुमने, जो भी किया है ना तुमने, धोखा देने वाला सिस्टम, वो तुम्हारा बहुत गलत रहा है, बहुत गलत किया है तुमने। तो अब सोच तू क्यों कर रहा है, अब जब तू धोखा दे रहा था, जब तुझे रिजेक्शन दे रहा था, तो तुझे जो है रिजेक्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो अब क्यों आ रही है, अब क्यों इतने ज़्यादा जो है तेरे दिल में तूफान उठ रहा है, क्यों तुझे बार बार लग रहा है कि नहीं तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। तूने सही तो किया, सही किया ना तूने धोखा दे के, तूने धोखा दिया तो एक बार भी नहीं सोचा कि उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, कितना दर्द में होगी वो, कितने तकलीफ में होगी वो या होगा, तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई खुद के ऊपर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तू इतना अफसोस जो आज मुझे दिखा रहा है और फिर ये कह रहा है कि तुझे उसके साथ ही जाने का है या उससे माफ़ी मांगने का है, तो तू माफ़ी मांगने में इतना टाइम ले क्यों रहा है, तुझे उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ जब तू ये चीज़ें कर रहा था, जब तू ये सारी चीज़ें ये बातें बोल रहा था, जब तुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस जो है फील होना था तो उस वक्त तुझे फील नहीं हुआ, आज फील हो रहा है तुझे, तुझे लगता है कि वो तुझे माफ़ कर देगी, तुझे लगता है कि वो चीज़ें जो है तेरे साथ, मतलब तूने जो किया वो सही किया और उसने जो किया वो गलत किया, तुझे लगता है, तुझे कभी भी ये अंदाज़ा हुआ कि तू जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, सिर्फ तू सेल्फिश बन रहा है, तूने तुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि तू किसी की ज़िंदगी के साथ तू खेल रहा है, किसी की ज़िंदगी के साथ तू जो है ना इस तरीके से तकलीफ़ में आ रहा है, तू इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में इतना दर्द में आ रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ, क्यों? मैं कहीं ना कहीं तुझे ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता, ठीक है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना ज़्यादा धोखेबाज निकलेगा, लेकिन यार धोखा देने की भी एक हद होती है, वो हद भी तुमने पार कर दी है, तूने जिसे धोखा दिया है, तेरी वजह से किसी के का दिल रोया है, तेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई है, वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ तुझे लगेगी ज़रूर, ठीक है, क्योंकि क्योंकि किसी के दर्द में, किसी कोई दर्द में जो है ना किसी को दुआ नहीं देता, हमेशा बददुआ ही देता है, और तुझे जो है ना वही बददुआ उसकी लगी है और वही बददुआ तुझे आगे भी लगेगी, तू देखना, ठीक है, तू ये चीज़ें क्यों करता है, तू तो ऐसा नहीं था, तू तो जस्टिस प्रिय था ना, तुझे तो सही चीज़ें सही लगती थी, गलत चीज़ों के लिए तू आवाज़ उठाया करता था, तो आज ये तेरे साथ हुआ क्या, ऐसे क्यों हुआ, क्यों 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 ऐसा हुआ कि तू आज मजबूर हो गया, तू आज ऐसी चीज़ें कर रहा है, क्यों कर रहा है, तू नहीं करना चाहिए था तुझे, ये कहीं ना कहीं तेरे लिए ख़राब है, तेरे लिए बहुत ख़राब है, तुझे जो है ना बिल्कुल भी जो है समझ नहीं आता। द फूल की एनर्जी है, तू सब कुछ छोड़ दे अब ईश्वर के ऊपर, अब क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ ईश्वर जानेगा समझेगा, तू छोड़ दे उसके ऊपर ना, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुझे इतना इधर का उधर उधर का उधर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुझे जो करना है वो तू कर, ठीक है, ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दे, अब जो भी होगा वो तेरा ही जो है ना डिसाइड करेंगे, और अपनी ज़िंदगी में तू आगे बढ़, ठीक है, जहाँ पे तुझे लगता है कि तेरे ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तेरे ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं, ईश्वर के सामने सब कुछ समर्पित कर देने का, सब कुछ ईश्वर के आप सामने जो है ना सब कुछ समर्पित कर दे कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, जो भी होगा वो किया जाएगा, जो भी होगा वो प्रॉब्लमैटिक जो भी होगा वो नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। मुझे ये सारी चीज़ें करते हुए, ये सारी चीज़ें बताते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है सच कहूँ तो, क्योंकि मैंने तेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना
ठीक है स्टार्ट कर, क्योंकि तूने गलती करी है तो तुझे ही माफ़ी मांगनी होगी। तुझे अगर मिलना है उसे तो मिल सकता है, तो मिल के तू माफ़ी मांग और उसके साथ जो है ना अपने प्यार की एक नई शुरुआत कर, ठीक है। प्रपोजल दे उसको, प्रपोज कर उसको, आगे बढ़ने की जो है ना जो भी है तेरी तैयारी वो तू तैयारी कर आगे बढ़ने की। तू ऐसे मत कर कि मतलब तुझे मतलब ही नहीं है या वो सारी चीज़ें, वो गलत है ना। जो गलत है वो क्यों करने का, जो पॉजिटिव है वही चीज़ें करने का ना, तो वो चीज़ें ही तू कर। क्योंकि निगेटिव चीज़ें तू करेगा तो कहीं ना कहीं तू ही फंसेगा, कोई और फंसने वाला नहीं है, ठीक है। तो तू ही जो भी कर सकता है तू कर सकता है, ठीक है। तो तुझे जो है ना आज जो है बातें करनी चाहिए, तू बातें करके देख और देख तेरा रिश्ता कैसे इम्प्रूव होता है, बैलेंसफुल होता है। क्योंकि जो इंसान इमोशनल होता है वो काफ़ी जल्दी बहुत बैलेंस में आ जाता है और वो अपने पार्टनर को माफ़ कर देता है, ठीक है। तो तुझे माफ़ करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, तुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तू माफ़ी मांग ले, गिड़गिड़ा ले। अगर गिड़गिड़ाने से भी वो तेरे तेरे को माफ़ कर देता है या कर देती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। पाइल नंबर 2 ये रीडिंग आपके लिए है, और ये रीडिंग आपके लिए थी। एंड कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, इनवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए अपना। एंड आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साथ ये सही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।